क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी एनसीए में बुलाया। चयनकर्ताओं ने अर्जुन को इमर्जिंग एशिया कप से पहले खास कैंप के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के अंतरिम चेयरमैन शिव सुंदर दास ने अर्जुन समेत 20 ऑलराउंडर्स को चुना है। इन सभी खिलाड़ियों को उनकी क्षमता और प्रतिभा की वजह से शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सभी खिलाड़ी बेंगलोर के एनसीए में 3 हफ्ते के लिए एक खास ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि इस साल के आखिरी महीने में इमर्जिंग एशिया कप अंडर 23 खेला जाना है। बीसीसीआई की कोशिश है कि भविष्य के लिए एक टैलेंटेड पूल तैयार किया जाए जहां चयनकर्ताओं के पास हर फॉर्मेट के लिए अच्छे विकल्प मौजूद हों। अर्जुन तेंदुलकर के लिए साल काफी अच्छा जा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर ने इसी साल आईपीएल में भी अपना डेब्यू किया था। हालांकि कुछ मैचों में जलवा दिखाने के बाद अर्जुन को बाहर बैठा दिया गया, लेकिन अब बीसीसीआई से उनके पास जो बुलावा आया है उसे कम नहीं आका जा सकता। अर्जुन तेंदुलकर गोवा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं। बताया जा रहा है कि कैंप का आयोजन अगस्त से शुरू होगा। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑलराउंडर्स का कैंप एनसीए के क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण का आइडिया था, ताकि ये तय किया जा सके कि भारत क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हों। बात अगर अर्जुन तेंदुलकर की करें तो इस साल मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने 3 आईपीएल मैच खेले हैं। बीसीसीआई सूत्र ने पीटीआई से कहा कि अर्जुन के पास पहले से ही एक रणजी ट्रॉफी शतक है। एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो शुरुआती और बीच के ओवर्स में 130 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच गेंदबाजी करता है और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करता है, इससे विविधता आती है और इसलिए उन्हें बुलाया गया है। अर्जुन अभी 23 साल के हैं और उनके पास अपने आप को तैयार करने के लिए अभी काफी वक्त है।